हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल द दस्ट मैंने सईद फरमान एंड हम डिस्कस करें क्लास 11th की बायोलॉजी ठीक है तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जनरल टर्म डिस्कस किए थे सपोज सिलोम सिगमेंटेशन नोटोकॉड एंडोडर्म एक्टोडर्म इसी तरह हमने और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सपोज या स्मेट्री एक्सेट्रा डिस्कस किए थे ठीक है होप करता हूं कि वो पॉइंट्स याद होंगे क्या कहां पे यूज़ होता है रेडियल क्या होता है बाइलेटरल क्या होता है आपको ये सब याद होगा ठीक है अब आगे चलते हैं आज हम करेंगे पहला फाइलम ठीक है किंगडम के बाद क्या आता है मैंने आपको बोला था वो की पॉट क्लीन किंगडम के बाद फाइलम आता है ठीक है सबसे बड़ा होता है किंगडम में सब सारे सारे ऑर्गन होते हैं फिर किंगडम को डिवाइड करते हैं में ठीक है फाइलम तो पहला फाइलम जो आपका आएगा पोरिफ्रा ठीक ये सबसे प्रिमेटिव है ठीक है जैसे जैसे फाइल फाइल बढ़ता जाएगा जैसे फा, दूसरा फाइल आएगा उसके बाद तीसरा फाइल आएगा आप देखोगे कि, कि कम्पलेक्सिटी बढ़ती जाएगी ठीक इम्प्रूव होगी क्वालिटीज या इसमें जो खुद आपको लगेगा कि यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं लास्ट पे आपको कॉर्डिट्स मिलेगी ठीक वो जो उस सबसे ज्यादा इंप्रूव उनमें देखोगे लास्ट पे पेमल मेमल सबसे ज्यादा इंप्रूवड है ठीक चलते हैं आज के पहले वाले फाइल पे जो है पॉरिफर ठीक है मैं मेन पॉइंट आपको अंडरलाइन करवाऊंगा उन्हीं पर फोकस करना है आपको ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है के जो उनको हम कॉमनली बोलते हैं sponges. क्या बोलते हैं sponges. ठीक स्पॉज क्यों बोलते हैं क्यों क्योंकि इनमें पोर होते हैं और इनमें वाटर फिर ऐसे बंद रहता है ठीक है फिर अगर इनको प्रेस करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा लाइक अ स्पॉन्ज होते हैं ये जो स्पॉन्ज होता है ना हमारे घर में जो बर्तन धोते हैं या जो आप बहुत जगह पर देखते हो वो स्पॉन्ज होता है मतलब ये ऐसे प्रेस करोगे इससे उसमें एयर रहता है अगर जो घर में होता है उसमें एयर होता है ठीक है वो ऐसे आउट होता है जो प्रेस करेंगे तो वो उससे एयर निकल जाता है और वो बहुत थिन हो जाता है ठीक इसी तरह इनमें भी होता है इनमें पोर्स होते हैं तो उसमें वाटर होता है और पहले जो एंशेंट टाइम था वहाँ पर इन स्पॉन्ज को लिया जाता था यूज करने के लिए बर्तन धोने के लिए बाकी कामों के लिए यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिलेगी इसकी वहाँ पे आप सर्च करोगे स्पॉन्ज तो आपको मिलेगा कि स्पॉन्ज को कैसे वो लेते थे निकाल के ड्राई करते थे फिर यूज करते थे ठीक है ना बहुत स्पॉन्ज को रहता चलते हैं दे आर जनरली मरीन नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला जनरली मरीन है मतलब मोस्टली ये मरीन होते हैं ठीक है ज्यादातर किस में रहते हैं ये रहते हैं साल्टी वाटर में एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर एसेमेट्रिक एनिमल्स मोस्टली एसेमेट्रिक मोस्टली मतलब ज्यादातर एसेमेट्रिक ही होते हैं तो इनकी इनकी सेमिट्री आप लिखोगे एसेमेट्रिक याद रखना इसकी, इनकी सीमेटर में क्या लिखोगे आप एसीमेट्रिक एसीमेट्रिक मरीन यह दो पॉइंट पहले याद रखने आप अबिकली दीज आर क्या है ये प्रमेटिव है प्रमिटिव मल्टी सेलर प्रमेटिव मल्टी सेलर एंड हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब मुझे ये अभी डिस्कस नहीं करना पड़ेगा सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको कल बोला था ठीक है तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस नहीं करूँगा। ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको वापस जाके कल का देखना पड़ेगा वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया है ठीक है चलते हैं आगे स्पॉन्जेस हैवे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम ठीक है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पॉज के पास क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैनाल सिस्टम याद रखो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको है वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैनाल सिस्टम ठीक है आगे जाके आप पढ़ोगे वहां पर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम ठीक है तो इनमें डिफ्रेंशियट करना आना चाहिए आपको वाटर कैनाल सिस्टम कहां पे स्पॉन्जेस में वाटर वेस्कुलर सिस्टम है कहांस में तो यहां पे आपको याद रखना है यहां पे होता है वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम कैनाल टाइप की होती है यहाँ पे ठीक चलते हैं वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना ये वाले ये ये जो ये ये दिख रहे ये पोर है क्या है पोर। इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया क्या बोलते हैं इन सब पोरस को क्या बोलते हैं ऑस्टिया ये पूरी बॉडी में होता है पूरी बॉडी को सराउंड किया जाता है इन्हीं पोर से मतलब अगर हम जनरल शेप बनाएंगे इसकी ऐसे होते हैं देखिए ट्राई करूंगा कि यहाँ पे बन जाए मतलब ऐसे कुछ होता है मान मतलब लो ऐसे है ठीक है फिर क्या होता है यहां पर इरेजर लेते हैं और इसको स्मॉल कर देते हैं ठीक है इस तरीके से कुछ होता है ये स्पोज ठीक है ये जो है ना ये वाले पोर देखो यहां पे हम कलर चेंज करते हैं ये जो है ना ये पोर ये ये जो पोर है इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया क्या बोलते हैं ऑस्टिया इनमें आ आ जाता जाता है है इन्हीं चीज़ों से अंदर वाटर वाटर ये जिस में होते हैं वो से से अंदर आ जाता है इन पोर इनको हम क्या बोलते हैं ऑस्टिया ऑस्ट्रिया ये जनरल डायग्राम मैंने बनाई है ऐसे यहाँ पे मैंने पोर दिखा है बॉडी में पूरी बॉडी में होते हैं यहाँ से अंदर आ जाता है वाटर ठीक है फिर यहाँ पे चला जाता है और यहाँ से फिर बाहर जाता है यहाँ से ठीक इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलॉ ठीक चलते हैं आगे इनती सॉरी वाटर एंटर थ्रू माइनूट पोर्स ऑस्टिया इन बॉडी वॉल इंटो आ सेंट्रल कैविटी जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जो सील क्या बोलते हैं स्पॉन्ज इनका नाम है स्पॉन्जो सील सील होती है कैविटी ठीक है तो स्पॉजोसील क्यों बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पॉन्जो सील इसको जो यहाँ पे है ना इसको बोलते हैं हम स्पॉजोसील क्या बोलते हैं स्पॉन्जो सील याद रखने आपको स्पॉजोसील बीच में जो कैविटी होती है इसके अंदर जो कैविटी होती है इसके अंदर जो कैविटी होगी ना इसके अंदर उसको बोलते हैं स्पॉन्जो सील लाइक दिस ठीक तो क्या बोलते हैं स्पॉन्जो सील इन माइन्यूट पोर्स को क्या बोलते हैं ऑस्टिया. आउट थ्रू दी ऑसिक्यूलम फिर वाटर बाहर जाता है ऑसिक्यूलम से ये रहा आपका ऑसिक्यूलम क्या रहा ऑसिकुलम. ऑसिकुलम. लिख सकते हैं इसको ऑसिक्यूलम a little bit slow sorry for that ठीक है ऑसिकुलम हम्म तो इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं इस वाले पोर को बड़े वाले पोर को इन छोटे पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया ऑस्टिया से पानी अंदर आता है स्पोन्जो सील में चला जाता है उसके बाद यहाँ से बाहर जाता है कहाँ से ऑस्टी ऑस्क्यूलम से ठीक है यहां तक समझ में आ गया चलते हैं आगे दिस पाथ ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल फॉर फूड गेटर इससे क्या क्या हो जाता है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वाटर ट्रांसपोर्ट फूड फूड गैदरिंग के लिए फूड फूड गैदरिंग के लिए रेस्पाइरेटरी uh, एक्सचेंज के लिए ठीक है मतलब एयर एक्सेट्रा जो आपको चाहिए वहां पे रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए याद रखना है आपको किस किस के लिए नॉर्मल से बात है इन्हीं चीजों के लिए तो यूज होता है ये कोइनोसाइट्स ठीक है कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पों सील एंड ठीक कोइनोसाइट्स होते हैं टाइप ऑफ सेल्स ठीक है टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो इन लाइनिंग इसमें इन जो ये ये जो बॉडी वॉल की थिकनिंग होती है ठीक है इसमें आपको मिलती है अंदर से मिलती है कोइनो ठीक है यहाँ पे सब यहाँ से निकलती है यहाँ से या इसकी साइड से भी होती है कोइनोसाइट्स होते हैं वो टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं ठीक है कॉलर सेल्स बोलते हैं वो लाइन करते हैं स्पोजोसील को ठीक कैनाल को लाइन करते हैं ठीक है ठीके? चलते आगे डाइजेशन इज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यहां पे आपको मिलेगी इंट्रा सेल्युलर क्या मिलेगी इंट्रा सेल्यूलर मतलब इंट्रा सेल्युलर है मतलब सेल्स के अंदर होती है ठीक है अलग अलग सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है ये समझना है आपको इंट्रा सेल्युलर क्या होता है ठीक है ठीक चलते हैं देखो इंट्रा सेलर मतलब सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है सब आप देखो कि हमारी बॉडी में कहां पर डाइजेशन होती है गट में डाइजेशन होती है और उसके बाद फूड को एस्टिमुलेट किया जाता है डिफरेंट सेल्स के लिए देखो एक पॉइंट में यहां पे बोलना भूल बुल भूल गया गया बताना कोइनोसाइट्स का क्या काम होता है ठीक है कोइनोसाइट्स के लिए क्या होता है इनके पास फ्लजिला होता है ठीक है ना ये पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं वाटर से फिर उसको में आने देते हैं एंड फिर ऑस्किलों में बाहर जाता है ठीक ये बहुत रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है आ, ये अल, मतलब रैपिड एक्सपल्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट को मतलब जल्दी जल्दी बाहर करता है क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें सीलिया होते हैं फ्लाईला होता है वो जल्द से मोमेंट देते हैं तो जल्द जल्द से ये चीज़ें बाहर जाती है ठीक है ना एक्यूमलेट नहीं होता उस पॉजेक्शन में तो ये इनका काम था मैंने सोचा ये बता दूँ तो बोल गया था पहले ठीक है चलते हैं डाइजेशन इज इंट्रासर इंट्रासर मतलब सेल्स के अंदर ठीक है अलग अलग सेल्स के अंदर डाइजेशन होती है अब सेल हर एक सेल अपना अपना फूड पार्टिकल अंदर लेते हैं फिर अंदर डाइजेस्ट करके उसको यूज करते हैं ठीक है ना द बॉडी यूज ये इंट्रा है दूसरा इंटर होता है होता है सेल्स के बीच में ठीक है डाइजेशन सेल्स के बीच में होगा फिर सेल्स डाइजेस्टेड फूड को अंदर लेंगे यहाँ पे इंट्रा सेलर है मतलब सेल में ही डाइजेशन होती है पार्टिकल को अंदर लेके अंदर डाइजेस्ट किया जाता है सेल में बॉडी इज सपोर्टेड support की जाती है जो किसके बना होता है uh, याद रखना है आपको fibers. फाइबर्स और not separate यहाँ पे सेक्स separate नहीं होते हैं हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन होती है कनेक्शन क्या मतलब होता है मतलब मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है अगर ये ऑर्गेनिज्म एक है तो इसमें मेल भी होगा फीमेल भी होगा ठीक उसको बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट तो अर्थवम में होता है अर्थवम में क्या होता है अर्थवम भी हर्मोफ्रोडाइट होती है मेल एंड फीमेल दोनों अर्थवम में ही होते हैं एक अर्थवम में दोनों होते हैं दोनों सेक्स ठीक है That is eggs and sperms are produced by the same individual. Okay, ये आपको याद रखना eggs and sperms are produced by the same individual. Sponge is reproduced asexually. Asexually कैसे reproduce करते हैं? By fragmentation. Normal सी बात है fragmentation से करते हैं and sexually by formation of gametes. Sexually क्या करते हैं? Gamete form करते हैं और फिर बनाते हैं फिर reproduce करते हैं. Normal है ठीक है. अब मैं fragmentation तो नहीं बतानी है तो बताएं इसलिए मैं यहाँ पर सीधे चल रहा हूँ.

फ्रॉग के लारवे की शेप पता है कैसे होती है फ्रॉग फ्रॉक के जो लार्वे होते हैं ऐसी शेप होती है उनकी ऐसे ऐसे है ना ठीक है ऐसे शेप यहाँ पे टेल होती है ऐसे ये होते हैं फ्रॉग के लार्वे उनकी शेप ऐसी ही होती है ठीक है तो लेकिन फिर क्या होता है जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनकी टेल शेड होती है और यहाँ पे उनका उनकी मॉर्फोलॉजी पूरी चेंज होती है और ये फ्रॉग की शेप में बन जाते हैं ठीक है इसको हम बोलते हैं चेंज होना शेप ठीक है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें पहले अलग एक शेप अलग एक मोरफलॉजिकल स्ट्रक्चर हो फिर वो बड़े होकर चेंज हो जाए ठीक है फिर वो उस एडल्ट इंडिविजुअल की तरह दिखने लगे तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब तो अगर आप तो ह्यूमन में क्या है ह्यूमन में जो ह्यूमन बेबी है वो सेम शेप का होता है जैसे एडल्ट का होता है शेप मतलब सेम होती है पांच फिंगर्स होते हैं नोज होती है माउथ हेड हेयर एक्सेट्रा ठीक है ना तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब वही स्ट्रक्चर बढ़ जाता है बस ठीक है इंटायरेक्ट में क्या होता है इंटरेक्ट में अलग मॉरफोलॉजिकल चेंज आ जाती है कि शेप ही चेंज हो जाती है बॉडी की ठीक है पहले अलग चीज अलग शेप होती है तो यहाँ पे वही होता है इंटायरेक्ट डेवलपमेंट होती है मतलब एक लार्वल स्टेज होता है जो डिफरेंट होगा एडल्ट से डिफरेंट डिस्ट्रिंक्ट हो होता है एडल्ट से ठीक है आया समझ देखो अब इसकी कुछ एग्जाम्पल से तीन एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दी गई है पहला आप यहां साइकोन क्या है साइकोन एग्जाम्पल आपको याद रखनी है क्यों रखनी है क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है वाटर कैनल इनमें से किस में प्रेजेंट है ठीक है तो वहां पे एग्जाम्पल दी जाएगी साइकॉन फिर वहां पे दी जाएगी सिलंट की एग्जाम्पल की या इसी तरह दी जाएगी दी तरह की, या किसी और फाइलम की तो आपको पता होना चाहिए कि जो है स्पॉन्जेस में आता है साइकन पॉरिफ्रा में तो तभी तो तो आप बोल सकते हो हाँ साइकन में होता है ठीक है ना साइकिल यहाँ पे एग्जाम्पल है ये आपका साइकिल रहा ये वाला इसी तरह ये आपको रहा यू स्पोजिया इसको बोलते हम बोलते हैंजिया और ये रहा स्पोंजिला क्या रहा स्पॉन्जला ठीक है ना स्पॉन्जला स्पॉन्जला को हम बोलते हैं फ्रेश फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है इनका स्पॉन्जला क्या है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज उस स्पॉन्ज को बास स्पॉन्ज बोलते हैं नेक्स्ट पेज पे वही लिखा होगा देख लेंगे ऊपर से आके नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये हमारी एग्जाम्पल्स क्या, क्या क्या है साइकोन है इसको हम क्या बोलते हैं स्काइफा स्पॉन्ज चला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज उस स्पॉन्ज चलापॉन्ज या क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज ठीक है आया समझ नॉर्मल है तो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है तीन ही एग्जाम्पल है तो आपके लिए ये वाला बेनिफिट है यहाँ पे कि तीन ही एग्जाम्पल याद रखने इन्हीं तीन एग्जाम्पल से पूछा जाएगा अगर पूछा भी कुछ जाएगा ठीक है नीट में पहले यहाँ से चार क्वेश्चन पूछे जाते जा जा थे अभी एक क्वेश्चन हार्डली पूछा जाता है क्योंकि अब तो ये याद होता है सबको तो इसको उसी इस वे से याद करना है कि वो एक क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए ठीक चलते हैं नेक्स्ट फाइलम पे दूसरा फाइलम है फाइलम सीलनट्रेटा या नाइडेरिया ठीक है इसको हम सीलन ट्रेटा पढ़ते हैं या नाइडेरिया नाम क्यों पढ़ा है नीचे लिखा है देख लेंगे दे आर एक्वाटिक एक्वाटिक है तो मतलब एक्वाटिक है पानी में रहते हैं मोस्टली मरीन ज्यादातर सलाइन वाटर में रहते हैं सजाइल हो सकते हैं या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं सजाइल होते हैं जो एक ही जगह बंद हो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इसको क्या हुआ एक है एक ही जगह पे बंद है मतलब ये लग रहा है कि यहीं पे किसी के साथ बंद है यहाँ पे किसी के साथ अटैच है ठीक है और ये फ्री स्विमिंग है यहाँ पे ऐसे घूम रहा है ठीक है ना ये दिख रहा है ये ऐसे मूव कर रहा है ये जगह बंद है उसको बोलते हैं सजाइल इसको बोलते हैं फ्री स्विमिंग क्या बोलते हैं फ्री स्विमिंग ये जो मूव करें है और जो एक ही जगह इसको बोलते हैं सजाइल ठीक रेडियलिसमेट्रिकल अब ये ये मैं नहीं बोलूंगा रेडियलिसमेट्रिकल क्या होता है ये मैंने पहले में बोला है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है रेडियो क्या होता है मतलब किसी भी प्लेन से इस प्लेन से इस प्लेन से इस प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ठीक है तो अब मैं नहीं बताऊंगा फिर से द नेम नाइटीरिया इज डिराव फ्रॉम नाइटीरिया किस क्यून को नाम दिया जाता है बिकॉज नाइडो ब्लास्ट और नाइडोसाइट ठीक है बाहर निकले हैं जैसे बोलते हैं अब यहाँ पे क्या होता है टेंटाकल में क्या होता है ये यहाँ पे की एग्जाम्पल है उनमें tent क्या, क्या होता है उनमें होता है स्टिंग कैप्सूल क्या होता है, है स्टिंग कैप्सूल क्या बोलते हैं ये है ना ये यह यहाँ पे स्टिंग कैप्सूल है ये वाला ठीक है ये स्टिंग कैप्सूल ये को मारने के लिए याटर से बचने के लिए यूज किया जाता है ठीक तो टेंटेकल्स में होते हैं नाइडो उनमें होते हैं स्टिंग कैप्सूल जिनको हम निमेटोसिस्टस बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टेंटेकल्स पर ठीक है नॉर्मल सी बातें अब किस में यूज होते हैं देखते हैं आ, आर इसके लिए पहला आपको याद रखना है एंकरेज के लिए एंकरेज के लिए मतलब खुद को बंद करने के लिए ठीक है एंकर देने के लिए किसी चीज़ से किसी चीज के साथ खुद को बंद करने के लिए ठीक है सपोज एंकर लगाते हैं हम शिप में या बोट एक्स्ट्रा जो होते हैं उनमें एंकर होता है एंकर को नीचे डाल दिया जाता है या बंद किया जाता है मिट्टी में तो वो फिर बंद रहता है उसे एक ही जगह रहता है ठीक है ना डिफरेंस के लिए एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे प्रेडेटर से बचने के लिए या प्रे को मारने के लिए दोनों चीज़ों के लिए क्या होता है यूज नाइडो ब्लास्ट ठीक है यही कई इसको नाम दिया जाता है नाइडेरिया नाइडेरिया फाइलम एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर नाइडेरियालोम्लास्ट ठीक है यहाँ पे आपको मिलती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या होता है डिस्कस किया है हमने तो मैं यहां पर फिर से नहीं बताऊंगा और ये होता है डिप्लोब्लास्ट डिप्लोब्लास्ट से क्या होता है डिस्कस कर चुके हैं पहले ही लास्ट वाले लेक्चर में अगर आपको नहीं पता है तो वहां जाके वापस से पहले वो लेक्चर देखें ठीक है ना दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ठीक है एक कैविटी होती है उनको बीच में आ, क्या बोलते हैं उसको गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी याद रखना है आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग और माउथ कॉल्ड कॉल्डो यहाँ पे चलो दिखाते हैं आपको क्या है ये ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ना ये जो दिखाया है हमें ये वाला ये क्या है ये है आपकी गेस्ट्रो जी लिखता मैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और ये जो ये ये ये, ये, ये आपका है ऐसा है है है, है ये कैविटी है यहाँ पे हाइपोस्टोम ठीक तो ये कैविटी है गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और दिस इज हाइपोस्टोम ठीक है ये माउथ होता है यहाँ पे भी ब्लाइंड सेक वाला कंसेप्ट है मतलब एक ही ओपनिंग होती है यहाँ से फूड आता भी है यही से वेस्ट जाता भी है ठीक तो इसको हम क्या बोलते हैं ब्लाइंड सैक। चलते हैं आगे सॉरी तो डाइजेशन क्या है डाइजेशन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल्स के बाहर भी होती है एंड कुछ पार्ट डाइजेशन का सेल्स के अंदर भी हो जाता है क्योंकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिवीजन ऑफ लेबर है वहां पे वहां पे काम बांटा गया है सेल्स में तो क्या होता है कि कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है कैविटी में कुछ पार्ट अंदर लेके डाइजेस्ट किया जाता है मतलब बहुत तरीके वहां पे मतलब चलते हैं ठीक है, मतलब, है बहुत तरीके अवेलेबल है डाइजेशन के लिए सम ऑफ द नाइट्रोजन एग्जांपल कोरल्स ठीक है हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बहुत सारे मतलब फाइलम सिलेंट्रेटा के बहुत सारे और ऐसे हैं जिनका सिकल्टन कैल्शियम कार्बोनेट से बना है ठीक है उनको हम बोलते हैं कॉरलस क्या बोलते हैं कॉरलस ठीक नाइटीरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा द फॉर्मर इज सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल लाइक हाइड्रा देखो यहां पर मैं कुछ दिखाता हूं <coughs> दो टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं नॉर्मली आपको याद रखना है दो टाइप के ठीक है ये रहा आपका पॉलीप वाला इसको बोलते हैं पॉलीप क्या बोलते हैं पॉलीप इसको बोलते हैं बोलते हैं मेड्यूसा पॉलीप मतलब क्या होता है ये होता है यहाँ पे बंद होता है यहाँ पे बंद होता है ठीक है इसलिए किसी के साथ अटैच क्या होता है खुद को और एक ही जगह रहता है ठीक है फिर वेट करता रहता है कि यहाँ से पानी आ जाए पानी को अंदर लेता है फिर हमें पे देखता है कुछ फूड मथे खाने के लिए उसको खाता है फिर पानी को है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पॉलीप स्ट्रक्चर इसके एग्जाम्पल आपको आदमशिया आएगा ठीक है यहाँ पे दिए या आपका हाइड्रा ठीक है या हाइड्रा दोनों इसके एग्जाम्पल है ये हो गया पॉली दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं मेड्यूसा क्या बोलते हैं मेड्यूसा मेड्यूसा में क्या होता है ये फ्री लिविंग होता है स्विमिंग होता है ये स्विम करता है और एक जगह दूसरी जगह चला जाता है जैसे आपकी जिली फिश है ठीक है और यहाँ पे जो और ये मेड्यूसा है ठीक है ये कौन है इसको जेली फिश बोलते हैं जेली फिश ये, ये जेली फिश की शेप है आप यूट्यूब पे सर्च करके जेली फिश को देख भी सकते हो जेली फिश ठीक तो ये दो स्ट्रक्चर है दो कॉमन फॉर्म है इनकी दो तरीके के ऑर्गेजम यहाँ पे रहते हैं एक ये वाला होता है पॉलिप वाला ठीक है एक पॉलिप वाला होता है दूसरा ये वाला होता है मेड्यूसा वाला ठीक है तो आ गया होगा समझ आई थिंक नॉर्मल सी बात है

होता है ये मूव नहीं करता वायर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप दूसरा जो होता है मेड्यूसा वो क्या होता है अम्ब्रेला शेपड होता है एंड फ्री स्विमिंग लाइक और जेली फिश ठीक है औरला की तरह जेली फिश की तरह वो फ्री स्विमिंग होता है और मूव करता रहता है दोज नाइडीरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाज अब क्या मसला है बहुत सारे नाइडीरियस uh, क्या करते हैं काम वो दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं

जनरेशन किस में आता है ओबिलिया में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है या आपको याद रखना है ओबिलिया में है 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 ऑफ 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 जनरेशन 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 क्या होता है? होता है, जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो वो मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है और जब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो पोलिप प्रोड्यूस करता है ये किस में पाया जाता है ये पाया जाता है ओबिलिया में इसको हम क्या बोलते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस क्या बोलते हैं मेटाजेनेसिस

याद रखना है आपको कॉमन नेम्स भी और scientific names भी क्यों? क्योंकि आपको कभी टेबल दिया जाएगा और मैच करने के लिए आपको ऑप्शन होंगे तो आपका आएगा पहला आदमशिया आदम सी एनिमोन्स को बोलते हैं सी पेन गोरगोनिया सी फैन मेड्रिना ब्रेन कॉरल ये आपको सारे याद रखने हैं इसमें एक ही चीज लिटिल बिट टफ है वो है एग्जाम्पल याद रखना किस फाइल में कौन से एग्जाम्पल तो ट्रक बनानी है और सब के सब याद रखने पड़ेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं है याद रखने ही रखने ठीक है होप करता हूं कि आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें थी तो आपने भी अच्छे से एंजॉय करके समझ लिया होगा ठीक है तो आज ही पेंड करते हैं दो फाइल आज के लिए एन एफ है ट्राई uh, करेंगे कि नेक्स्ट में हम दो तीन फाइल को खत्म करें बाकी अभी के लिए वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स लॉट